पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को अमृतसर में प्रदेश की अकाली भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। इस दौरान बादल सरकार को ललकारने के अलावा उन्होंने पार्टी आलाकमान को भी पंजाब की सियासत में अपना रुतबा दिखा दिया। आखिर कैसी रही अमरिंदर सिंह की ये रैली, रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अमृतसर से कांग्रेस के सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को नशे के खिलाफ अमृतसर में ललकार रैली का आयोजन किया। इस रैली के दौरान कैप्टन ने जहां अकाली भाजपा सरकार पर पंजाब में नशे के छठे दरिया को बहाने का आरोप लगाया, वहीं भ्रष्टाचार और पंजाब की स्थिति को बद से बदतर बनाने के लिए बादल परिवार पर जमकर निशाने साधे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में 8 वर्षों से अकाली भाजपा की सरकार है और इस दौरान पंजाब में ना तो नौकरियां दी गईं और ना ही युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करके दिए गए। उधर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इधर ड्रग्स के खिलाफ कुछ करना चाह रहे हैं जो उनकी सरकार करी है ड्रग्स में। 100% ऑफ द डीजीपी बीजेपी इज डबल स्टैंडर्ड्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइटिंग अगेंस्ट द ड्रग्स देन फर्स्ट गिव अप योर अलायंस विद द अकालीज एंड देन कम हियर। And you have challenged Amit Shah that whenever he comes for a rally in Amritsar or in Punjab, you will do a parallel rally. Well, no, I can only talk about my constituency. When he comes to Amritsar, he can come and I will do a parallel rally. A Congress president, jab time aayega, jo sochenge, wo apne aap kahenge. But bahut chunav bahut kareeb hai, 2 saal ka waqt rahega. Aapko lagta hai ki ye faisla jald hona chahiye? Well, this is for the Congress president to decide. Lekin aaj main ek bata deta hoon ki Punjab is totally inse dukhi hai. तो इनको मोबिलाइज करना अपने स्टेट को कोई मुश्किल नहीं होगी। मेरी गल सुन लो, जो उन्ना बारे कहना सी मैं थोनू कह चुके एक बार। आई हैव टोल्ड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मिस्टर बाजवा। रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर अमित शाह उनके संसदीय हलके में रैली करेंगे तो वो उनका जवाब रैली के साथ ही देंगे। प्रताप सिंह बाजवा के रैली में ना आने पर उन्होंने कहा कि वो इस पर कई बार बोल चुके हैं, इसलिए वो इस मुद्दे पर अब कोई जवाब नहीं देना चाहते। वहीं इस रैली में शामिल होने पहुंचे नेता विपक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि ये ललकार रैली नशे के खिलाफ नहीं बल्कि नशे के सौदागरों की पीठ पर बैठी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने लोगों को आग्रह किया कि वो पंजाब की बागडोर कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों में दे तो 1 महीने के अंदर अंदर न सिर्फ नशा पंजाब से खत्म हो जाएगा बल्कि नशे के सौदागरों को भी जेल में बंद कर उनकी दुकानों पर ताले लगा दिए जाएंगे। साड़ी ललकार रैली साथियों, इस नशे दे व्यापारियों की पिठ ते खड़ी सरकार दे खिलाफ है। ऐ जिहड़े नशे दे व्यापारी है इन्हां दे खिलाफ है, क्योंकि नशा खत्म करना तो सरकारां दा काम है। आ दिओ खां सरकार की लगाम फड़ाओ। पंजाब पुलिस कंपीटेंट है। कैप्टन साहब ने बार बार कहा महीने के अंदर अंदर जे ताले ना लवा दिए ना दुकानों के। सरकारां दे काम हुंदे आ कोई रैलियां नाल। असीं तां इत्थे अज आए आ जिहड़े व्यापारी आ नशे दे, उहनां नूं ललकारन वास्ते। उहनां दे पिठ दे उत्ते खड़ी जिहड़ी सरकार है उहनां नूं ललकारन वास्ते वी साथियों पंजाब दे लोक उठ खड़े ने। इस पिच नूं पटणा है। आ जिहड़ी अकाली बीजेपी गठबंधन वाली पिच है इहनूं पटण आए आ, तां कि मुड़ के कोई इस तरह का भोला या कोई सत्ता या पता नहीं किन्ने क नां गिणाए सरदार लाल सिंह होरां ने, उस तरह का बंदा पंजाब दे विच सिर ना कट सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस ललकार रैली के दौरान जहां अकाली भाजपा सरकार पर निशाने साधने में कामयाब रहे, वहीं वो पार्टी हाईकमान के सामने अपनी ताकत दिखाने में भी सफल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का हाईकमान क्या फैसला लेता है। अमृतसर से कैमरामैन सिकंदर के साथ राजन गोसाई के लिए सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।